हेलो व्यूअर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। भाई साहब, आप में से जितने भी लोग अंग्रेजी सीख रहे होंगे ना, उनका बस एक ही सपना होगा कि कोई भी भैया ऐसी मैजिक ट्रिक हाथ लग जाए जिससे हम रातों रात भरनाटेदार अंग्रेजी बोलना सीख जाए। मतलब कुछ ऐसा हो कि हम रात को सोए और सुबह उठे तो घर वालों से बोले अब गिव मी ब्रेकफास्ट। अब घर वाले भी कहे इससे क्या हुआ, रात को तो ये हिंदी बोल रहा था, अब ये अंग्रेजी कैसे बोलने लग गया। अब भैया, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए 10 ऐसी बेहतरीन टिप्स लेकर आया हूँ कि इनमें से अगर आपने आधी भी मान ली ना तो आपकी अंग्रेजी फर्राटेदार हो जाएगी और बहुत जल्दी ही आप जबरदस्त अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। अब भैया, ऐसी टिप्स का इस्तेमाल इमरान हाशमी, मलिका शेरावत और राखी सावंत जैसे लोगों ने भी किया था और पहले ये बहुत शर्मिले हुआ करते थे और अब इनके हालात तो तुम देख ही सकते हो। अब भैया, ऐसी जहरीली टिप्स पाने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में बेल आइकन को उसको दबा दीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और जानते हैं जल्दी जल्दी अंग्रेजी सीखने वाली 10 टिप्स। अब भैया, हमारी पहली भयंकर टिप है ज्वाइन एनी इंग्लिश स्पीकिंग इंस्टीट्यूट। मतलब ये कि अपने आसपास गली मोहल्ले में जो आपके घर के नजदीक हो देखकर कोई इंग्लिश का कोचिंग ज्वाइन कर लो। लेकिन भैया, कोचिंग ज्वाइन करने से पहले आपको कुछ चीजों का ख्याल रखना है। नंबर एक कि कोचिंग अच्छा होना चाहिए। अच्छे का मतलब ये नहीं मैं झाड़ फन्नू से लटके हुए और बहुत एसी पेसी से लगे हुए, मतलब आप वहां जाएं और वहां कुछ पुराने स्टूडेंट से मिले और देखने की कोशिश करें कि उन्हें इंग्लिश आती भी है या नहीं, या ऐसी 3 महीने 6 महीने से बस ये सीख रहे हैं कहां से कबूतर और कहां से खरगोश। भैया, दूसरी चीज ये है कि टीचर ऐसा होना चाहिए कि आपको उसकी बातें समझ में आए। टीचर सारे ही अच्छे होते हैं, वो डिपेंड करता है कि स्टूडेंट किस से समझता है किससे नहीं, और जिससे समझ जाए वही टीचर स्टूडेंट के लिए महात्मा परमात्मा सा हो जाता है। भैया, तीसरी चीज ये है कि अगर कोई कोचिंग कहता है कि हम 2 महीने में सिखा देंगे, 90 दिनों में सिखा देंगे, कुछ तो ये भी कहते हैं बस बैठे हो अभी सिखा देंगे, 2 मिनट इंजेक्शन लेके आवे टेंस के और 2 गोली लेके आ मॉडल की इसके लिए पानी ला, कुछ ऐसे भी कहते हैं कि अभी सिखा देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। भैया, कोई भी प्रॉपर लैंग्वेज सीखने के लिए कम से कम 1 साल लगता है। ये 6 महीने 3 महीने कुछ नहीं होता है, आप कितना भी कुछ भी उखाड़ लो, कितनी मेहनत कर लो, 1 साल अंग्रेजी सीखने के लिए लगता है। तो भैया, सबसे पहले कोचिंग ज्वाइन करो। कोचिंग ज्वाइन करने से आपको सपोर्ट मिलती है, एक टीचर मिल जाता है जो आपकी गलतियों पर नजर रखेगा, आपको होमवर्क देगा। इस तरीके से आप स्टार्टिंग कर सकते हैं अंग्रेजी सीखने की। अब जरा दूसरी वाली टिप पर नजर मारो। भाई, दूसरी टिप है फ्री राइटिंग। अब फ्री राइटिंग का मतलब ये नहीं है कि राइटिंग फ्री में कहीं बट रही हो लपेट लो वहीं जाके। फ्री राइटिंग का मतलब होता है एक पेज लो, एक पेन लो और भैया एकांत में कमरे में कोई ऐसी जगह घर में अपनी तलाश लो जहां पर तुम्हें कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। वैसे टॉयलेट ही ऐसी जगह होती है भैया। अब वहां जाकर जो तुम्हारे दिल में आ रहा है अंग्रेजी में भैया लिखते रहो। मोबाइल के ऊपर लिखो, टीवी के ऊपर लिखो, मैं देखो कितना बड़ा एक्टर हूं यहां पे, सलमान खान सॉरी सरताज सर, मेरे बारे में लिखो और भैया जो दिल में आ रहा है अपने घर वालों के बारे में, अपनी एक्स के बारे में, अपने टैक्स के बारे में, जो दिल में आ रहा है लिखते ही जाओ अंग्रेजी में। पेंशन मतलब कि लिखना नहीं आता, कैसे नहीं आता भाई, इतना तो आता ही है, एबीसीडी तो आती होगी तुम्हें। जो दिल में आ रहा लिखते रहो और ससुर को फाड़ के फेंक दो, उसे चेक वेक मत कराओ, क्योंकि जो फ्री राइटिंग होती है ये सिर्फ अपने लिए होती है, इससे चेक नहीं कराया जाता, इसलिए तो दिल खोलकर हम लिख सकते हैं। अगर चेक कराना होता तो डर बैठ जाता, अबे वो हंसेगा, मास्टर यहां सुझा देगा, ये कर देगा वो कर देगा, तो भैया फ्री राइटिंग में ऐसा कोई डर नहीं होता है। तो भैया, आज ही से एक पेन ले लो और एक पेपर ले लो और लिखना शुरू कर दो। भाई, फ्री राइटिंग से अंग्रेजी सबसे ज्यादा तेजी से इंप्रूव होती है। अब तुम सोचोगे लिखें क्या, तो मान लो इंडिया एक टॉपिक ले लिया आपने और इंडिया के ऊपर जो दिल में आ रहा है गलत सलती आ रहा है चाहे सारा लिख डालो, कौन सा कोई चेक कर रहा है, लिख दो इंडिया इज गुड कंट्री, इतना 2-3 वर्ड जोड़ जोड़ के लिख दो, फिर सोचो क्या लिखूं क्या लिखूं। हां, कलकत्ता इज कैपिटल ऑफ इंडिया, वैसे दिल्ली कैपिटल है, तो मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि तुम खूब गलतियां करो, डजंट मैटर, कोई सुनने देखने टोकने पीटने वाला नहीं है। भैया, जितना चाहे गलतियां करो, फिर मोबाइल ले लो, मोबाइल इज वेरी गुड, बिग स्क्रीन और ये और वो, फिर अपने पापा के ऊपर लिख दो, फिर अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर लिख दो, बिग आईज बिग नोज और बिग माउथ और डिमांड पिज्जा फिजा खाती है, और जो चीज दिल में आ रही है लिखते रहो, फाड़ के ससुर को फेंक दो। भैया, रोज एक पेज फ्री राइटिंग करो, यकीन मानो 1 महीने में इतना अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा कि तुमसे अगर
अगर कोई कभी भी करेगा ना, चल भाई फास्फोरस डीऑक्साइड फॉक्साइड के बारे में लिख दे, तो यूं ही लिख दोगे भैया अंग्रेजी में, क्योंकि इससे थॉट उजागर होते हैं। तो भैया क्या कहा मैंने, पेन लो, पेज लो, निकल लो और सबसे पहले मेरे बारे में फ्री राइटिंग कर दो, जाओ और दूसरी टिप पर जरा नजर मारो। अब भैया अंग्रेजी सीखने के लिए तीसरी टिप सुन लो और वो है मिरर प्रैक्टिस, यानी कि शीशे के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करना। देखो भैया तुम अंग्रेजी सीख रहे हो या फिर कोई सी भी भाषा सीख रहे हो, इस पेन से फ्रेंच फ्रेंच कोई सी भी सीख रहे हो, भैया पागल होना पड़ता है उसके पीछे, और ऐसी ऐसी प्रैक्टिस करनी पड़ती है ना जिसमें इंसान खुद को पागल समझता है, सामने वाला भी समझता है, लेकिन भैया करनी पड़ती है, जब ही तो लैंग्वेज सीखोगे। और उसी प्रैक्टिस में से एक है मिरर प्रैक्टिस। करना कुछ भी नहीं है, बट डेली 5 से 10 मिनट शीशे के सामने खड़े हो जाओ और भैया उसी के सामने अंग्रेजी बोलो। अब ये बोलना क्या है, देखो जो तुम्हारे माइंड में आ रहा है, जैसे मैंने तुम्हें फ्री राइटिंग में बताया था ना, जो दिल में आ रहा है, मतलब खड़े हो जाओ, 2 लाइनें मोबाइल पे बोल दो, 2 लाइनें सनी देओल पे बोल दो, 2 लाइनें टेलीविजन पे बोल दो, किसी पे भी बोल दो, अपने आप पे बोल दो, तुम हैंडसम से लग रहे हो, अपनी जिंदगी के बारे में, अपने स्कूल कॉलेज के बारे में कुछ भी बोल दो, जैसे माई हेल्थ वेरी पुअर हेल्थ, नो 6 पैक एब्स, पिज्जा एवरीडे, फैमिली पैक, माई चैनल ऑन यूट्यूब, पीपल कॉल मी बाबला टीचर, बट 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स, स्टूडेंट्स लाइक माई वीडियो, प्रेस घंटा आइकन एंड अंगूठा, आई एवरीडे मेक वीडियो, पागलपंती, उल्लू आउल एंड इंग्लिश इंप्रूव फास्ट, माई मोबाइल नंबर 222 420, माई ईमेल आईडी @gmail.com एंड माई एक्टिंग, पीपल ओवर एक्टिंग बट आई थिंक आई एम अक्षय कुमार। चलो बस। तो भैया इस तरीके से तुम भी कम से कम 5 मिनट शीशे के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस किया करो। और एक कमाल की बात यह है कि जरूरी नहीं है कि तुम शीशे के सामने खड़े होकर करो, मतलब शीशा घर में लगा हुआ है और सब तुम्हारी मजाक उड़ाते हैं, बावला गया बावला पागल की तरह खड़ा हो रहा है बात कर रहा है, भैया तुम चुपचाप छत पर चले जाओ और अकेले में खड़े होकर ऐसे ही प्रैक्टिस करने लगो, इंग्लिश बोलने लगो, जो दिल में आ रहा है वो बोलने लगो, भैया तभी तुम अंग्रेजी सीख पाओगे, ऐसी बावलागर्दी करोगे तो। चलो अब चौथी जहरीली टिप पर नजर मारते हैं। और भैया जल्दी अंग्रेजी सीखने की चौथी टिप ये है कि टीवी की सहायता लिया करो, मतलब अंग्रेजी की फिल्में देखा करो, अंग्रेजी में खबरें सुना करो और अंग्रेजी के गाने गुनगुनाने की आदत डालो। अबे इंटरनेट पे भी और वो मतलब नीचे सबटाइटल लिखे हुए गाने मिल जाते हैं, उन्हें पढ़ पढ़ के कोशिश करा करो कि आप उन अंग्रेजी गानों के साथ गाने की कोशिश करो। अब देखो जरूरी नहीं है तुम्हें अंग्रेजी की खबरें समझ में आए, बस उसे सुनते चले जाओ, रोज 5 मिनट सुनो, मतलब एक आध वर्ड तो पल्ले पड़ेगा, एक आध चीज तो समझ में आएगी, मतलब लिखावा आ रहा है या सुनाई दे रहा है, इसके अलावा आपको दिखाई भी तो दे रहा है कि स्क्रीन पर क्या चला, तो उससे समझ में आ जाता है कि खबर किस बारे में है, ये आदत डालो। और सबसे बेहतरीन चीज ये है कि कोई भी अंग्रेजी की फिल्म चल रही है, आप उसकी लिपसिंग करो, उसके साथ कॉपी करो, और अंग्रेजी की ही नहीं, ये जो हिंदी में फिल्में चल रही हैं, हिंदी में नाटक आ रहे हैं, आप इसको जल्दी जल्दी साथ साथ इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की आदत डालो। जरूरी नहीं है उसके सारे डायलॉग आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, मतलब जितने आपकी पकड़ में आ रहे ना, दिल में चुपचाप बैठे बैठे उनको ट्रांसलेट करने लगो। मान लो तुम स्टार प्लस देख रहे हो, आ गई मेहंदी प्यार वाली हाथों में रचा के घर किसी और का बसा के, कहां गई थी तू, कहां गई थी, वेयर यू गो, नहीं नहीं वेयर हैव यू गोन, मुझ पे शक, मंदिर गई थी, आई वेंट टेम्पल, आई वेंट टेम्पल, मंदिर, शर्म नहीं आती तुझे भगवान का नाम लेते हुए, शर्म नहीं आई, शर्म शेम नॉट कम, मर क्यों नहीं गई, डाई वाई नॉट,
यस बना ली मैंने। तो भाई ये बंदा तो बोल बोल के प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन आप चाहे तो साइलेंट बैठकर दिल ही दिल में ये सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब नेक्स्ट टाइम आप कोई गाना सुन रहे हैं हिंदी में, या फिर कोई हिंदी फिल्म देख रहे हैं, या फिर कोई हिंदी का स्टार प्लस या कलर फलर पे कोई नाटक देख रहे हैं, उसमें से जो भी एक दो तीन डायलॉग आपके पकड़ में आ जाते हैं, भैया उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। ये नहीं हर डायलॉग करो, ऐसे तो तुम फिल्म ही ना देख पाओगे। मतलब धीरे धीरे, जैसे पहला बना लिया, अब उसे बनाने में कितनी भी देर लग गई, फिल्म चलती जा रही है, उसके बनाते अब कोई दूसरा पकड़ लो, फिर उसे इंग्लिश में बनाने लग जाओ। भैया ऐसे कर करके ही अंग्रेजी सीखी जाती है। तो क्या समझा कि पहले तो इंग्लिश मूवी गाने न्यूज सुना करो, और जो हिंदी में देखो उसको भी धीरे धीरे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया करो। अब भैया नेक्स्ट वाले पर नजर मारो। भाई अब जल्दी अंग्रेजी सीखने की नेक्स्ट टिप है कि आप घर में तेज आवाज में अंग्रेजी के अखबार, अंग्रेजी के कोई नॉवल, कोई अंग्रेजी की बुक, या फिर कोई कॉमिक बुक वुक्सी पढ़ा करो, लाउडली पढ़ा करो। अब आप में से बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि क्या करेंगे पढ़ के, अंग्रेजी का अखबार समझ में तो आता नहीं, इतनी हार्ड हार्ड सी वर्ड मीनिंग होती है, एक भी सेंटेंस समझ में नहीं आता, और तुम कह रहे हो पढ़ो। भैया ये हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। कुछ इस तरीके से अब इस बात को समझो, मान लो तुम्हारी खोपड़ी एक हंडिया की तरह है जिसमें छेद हो रहे बहुत सारे, और मैं कहूं जाओ इस हंडिया को भर के लाओ पानी से। अब तुम कहोगे जी हां कहां से भर के लाओ, इसमें तो छेद हो रहे, पानी रुकता ही नहीं है, यानी हम जो अखबार पढ़ते हैं उसकी मीनिंग तो रुकती नहीं है, समझ में नहीं आती है। लेकिन भैया इसका दूसरा पहलू भी तो देखो, तुम जब इसे पानी में डुबोगे, पानी इसमें निकलेगा तो जरूर, लेकिन जितनी बार डुबोगे हंडिया उतनी धुल जाएगी, साफ हो जाएगी, चमकती चली जाएगी। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि अंग्रेजी के अखबार में वर्ड आपको समझ में आए या ना आए, लेकिन जब आप उसे लाउडली पढ़ोगे तो उसके दूसरे कई फायदे होंगे। पहला ये, प्रोनाउंसिएशन साफ होगी, अच्छे अच्छे मेरी तरफ बकवास अकासी प्रोनाउंसिएशन नहीं होगी, बढ़िया तरीके से बोलना सीखोगे, तेजी से बोलोगे, बिना अटके बोलना सीखोगे, वर्ड जल्दी से पहचान लोगे। मतलब कई बार होता है वर्ड लिखा हुआ हम पढ़ ही नहीं पाते, क्या लिखा है, मिस ले नी 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 नी, हमें अखबार पढ़ोगे तो ऐसे ऐसे वर्ड आएंगे जो जल्दी जल्दी मुंह से निकलना शुरू हो जाएंगे। तो भैया इसकी प्रैक्टिस करना शुरू करो, जरा एग्जाम्पल पर नजर मार लो। वन डे आई वॉज गोइंग टू मार्केट, सडनली आई सॉ अ लॉयन, टू लॉयन। अबे अंग्रेज कुछ समझ में भी आ रहा है, जो पढ़े चले जा रहा है, इसमें तो वर्ड विनिंग भी नहीं आती होगी तुझका। अबे अगर मेरी समझ में नहीं आ रही है तो तेरा क्या जा रहा है, और तेरी क्यों जल रही है मुझे ये बता। तो भाई इसी तरीके से अंग्रेजी की नॉवल फोवल सी, कोई किताब फिताब सी, या अखबार को लाउडली पढ़ा करो, समझ में आए या ना आए। और भैया अगर तुम्हारे घर में हिंदी पिंदी का अखबार आता है ना, तो उसको जारी रखो, मंगवाते रहो, लेकिन हफ्ते में एक दिन अंग्रेजी का अखबार मंगाया करो। रोज मत मंगाना कि अंग्रेजी सीख रहा हूं तो रोज मंगाऊंगा, घर वाले भी कहेंगे अंग्रेज तू बनना, परेशान हम हो रहे, हमारा अखबार बंद कर दिया। हफ्ते में एक मंगवाओ और उस एक को पूरे हफ्ते तक पढ़ो। भी तुम इतने बड़े इंजीनियर ना बने जो एक ही दिन में पूरा पढ़ दोगे, पूरे हफ्ते पढ़ो और लाउडली तेज तेज पढ़ो, उसे याद करने की उसमें जो वर्ड मीनिंग है डिक्शनरी फिक्शनरी में से निकाल के कोशिश करो। और भैया सबसे बेहतरीन चीज एक और बता दूं कि घर में कोई या पड़ोस में कोई लल्ला फल्ला सा हो ना, जो चौथी पांचवी में किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा हो, उसकी बुक ले लेना अंग्रेजी की, उनमें कहानियां होती है और वो समझ में भी आ जाएगी। लोयन की कहानी और इसकी कहानी और इसकी कहानी, जो आपके कॉन्फिडेंस को भी बढ़ा देगी। तो भैया आज इसे लाउडली पढ़ना शुरू करो और जरा नेक्स्ट वाली टिप देखो। और भाई अगली वाली टिप है, मेक फ्रेंड्स हु स्पीक्स इंग्लिश, यानी भैया ऐसे ऐसे दोस्त बनाओ जो अंग्रेजी बोलते हो या अंग्रेजी बोलना सीख रहे हो, और उनके साथ अंग्रेजी में ही बात करा करो। अब ये पहले बड़ा मुश्किल हुआ करता था, लेकिन भैया आज का दौर फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, फूट्यूब और एक और नया आ गया वो टिकटॉक का जमाना है, और बड़ी ही आसानी से हम ऐसे दोस्त बना सकते हैं और उनसे चैट कर सकते हैं बिना उनसे मुलाकात करे, कि जिन्हें अंग्रेजी आती है। भैया आप भी इसका फायदा उठाया करो और लोगों से ज्यादातर चैट में इंग्लिश में बात करा करो। अगर आप अंग्रेजी सीख रहे हो तो ये आपके लिए जरूरी है, और इंग्लिश का सर्कल बनाओ, अपने फ्रेंड व्रेंड कॉफी वॉफी पीने जाओ तो वहां पर थोड़ी इंग्लिश झाड़ो, लाबेला वन कॉफी ब्लैक और लाइक माय कलर, और वन कॉफी व्हाइट लाइक सनी लियोनी, और ऐसे ऐसे इंग्लिश बोला करो ताकि वहां पर भी आपका इंप्रेशन बढ़े और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इंग्लिश में बात करा करो। साथ ही साथ फेसबुक व्हाट्सएप पे भी इंग्लिश में रिप्लाई देने की आदत डालो। ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है और बहुत अच्छी टिप मैं आपको बता रहा हूं, इससे भी आपकी अंग्रेजी बड़ी ही जल्दी जहरीली हो जाएगी। और जरा नेक्स्ट वाले पर नजर मारो। अब भैया नेक्स्ट ट्रिक है कि अपने परिवार वालों के साथ, भाई बहनों के साथ, दोस्तों के साथ हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी के वर्ड्स मिलाकर बोला करो। इसके कई फायदे हैं। एक तो ये कि तुम्हें पूरी इंग्लिश नहीं बोलनी पड़ रही है, ये वेट नहीं करना कि इंग्लिश आएगी जब भी बोलूंगा, हिंदी के साथ साथ दो तीन वर्ड्स मिलाकर बोल दिया करो। दूसरी है कि वो वर्ड्स इंग्लिश के जो है आपकी जबान पर बने रहेंगे, आप उन्हें भूलोगे नहीं, हेजिटेशन दूर होगी। और तीसरा सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि सामने वाले पे भरम कट जाएगा, एक ऐसा इफेक्ट आएगा, सामने वाला सोचेगा कि तुम बहुत पढ़े लिखे हो, भैया
सीपी में कनॉट प्लेस में लड़कियां ऐसा ही करती है, हिंदी के साथ साथ बस दो तीन वर्ड इंग्लिश के मार देंगे और सामने वाला सोचेगा हाय हाय मैडम तो दिल्ली पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल सी लग रही है, और उसी लड़की का रिपोर्ट कार्ड देखो तो टेंथ में इंग्लिश में उसी की बेकाई भी है 5 बार। अब भैया आपको करना कुछ नहीं है, आपको जैसे अपने घर में छोटे भाई बहनों से हिंदी बोलते बोलते अंग्रेजी के शब्द बोलो, जैसे वाओ कितना अच्छा डे है मामा, एक्चुअली ब्रेकफास्ट रेडी कर देना, मेरे को 7 o'clock निकलना है, मेरी क्लास हेल्ड होगी एक्चुअली दिल्ली यूनिवर्सिटी मुझे पहुंचना है। अरे राहुल रेडी हो जा तू जल्दी से, मैं तेरे को वॉक पे ले जाऊंगा पार्क में और मैं तेरे को वहीं पे ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है, फिर पापा तेरे को पिक कर लेंगे। और आप लोग भी प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिकॉज एवरीडे मेरी वीडियोज आती हैं और मैं आपके लिए न्यू आइडियाज लेकर आता हूँ एंड ऑल। चलो मम्मी मैं आ रहा हूँ, ओके गाइज बाय। अब भैया ऐसी चीज अगर तुम अपने घर पे करोगे ना, मतलब अंग्रेजी के शब्द मिलाकर अपने भाई बहनों के साथ माता पिता के साथ बोलोगे, तो पेरेंट्स को गर्व महसूस होगा कि हमारा बच्चा कुछ पढ़ रहा है, कुछ पैसा मुझ पर खर्च कर रहे हैं तो कहीं लगा रहा है। और घर में ऐसी चीजें करने से अपने भाई बहनों पर भी असर पड़ता है, उन लोगों को भी लगेगा कि भैया की पर्सनालिटी कुछ ज्यादा ही ओबामा हो रही है, हमें भी इनसे ऐसे ही बात करनी चाहिए। लेकिन भैया फ्रेंड सर्कल में थोड़ा सा खतरनाक सा हो जाता है अगर आप उनके सामने अंग्रेजी बोलते हैं ना, तो कुछ ऐसा होता है, हाय रवि हाउ आर यू यार, एक्चुअली मैं तेरा वेट कर रहा था, 7 o'clock मैं यहां पर आ गया था अर्ली मॉर्निंग, मैंने मम्मा से ब्रेकफास्ट के लिए बोला एंड मैं बस तेरा वेट ही कर रहा था, एक्चुअली आज लेक्चर है ना इस कॉलेज में, सो एक्चुअली मैं तेरे को लेने आया था, आर यू रेडी? ओहो एक्चुअली अंग्रेज, अबे ओ शर्मा के, ओ गुप्ता के, ओ मलिक के, ओए देख ले ए अंग्रेज सरकारी स्कूल, हाँ इंग्लिश चल रही है। तो भैया कुछ इस तरीके से फ्रेंड्स लोग मजाक उड़ाते हैं और टांग खींचकर नीचे लाने की कोशिश करते हैं, जब भी आप उनके सामने अंग्रेजी में बात करोगे तो वो आपकी हंसी उड़ाएंगे और कहेंगे ले अंग्रेज बनना है। और अगर आप उनके टांग खींचने से नीचे आ गए यानी शर्मा गए, तब तो आप अंग्रेजी जिंदगी में सीख नहीं सकते। और अगर आप नहीं शर्माए और आपने उसका जवाब दे दिया कुछ ऐसे, या मैं इंग्लिश में टॉक कर रहा हूं और इसमें मुझे कोई शेम नहीं है क्योंकि मेरी मातृभाषा हिंदी सीखने के बाद मुझे पूरी आजादी है कि मैं किसी भी दूसरी लैंग्वेज को सीख सकता हूं, दैट्स व्हाई मैं इंग्लिश लर्न कर रहा हूं, बिकॉज मुझे करियर बनाना है एक एमएनसी में, किसी बड़ी कंपनी में, एंड जस्ट बिहेव योरसेल्फ एंड माइंड योर लैंग्वेज, समझा? गेट लॉस्ट। तो आज से एक बात याद रखना कि अगर आप अंग्रेजी सीख रहे हो और अंग्रेजी भाषा पे जल्दी पकड़ बनाना चाहते हो, तो भैया अपने घर पर अपने भाई बहनों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, रिश्तेदारों के साथ, अपने ऑफिस में, कॉलेज में, स्कूल में हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी के वर्ड्स मिलाकर बोलना, ताकि सामने वाले पर इंप्रेशन भी जमा रहे और आपकी हेजिटेशन दूर हो और भैया धीरे धीरे आपकी अंग्रेजी जहरीली होती चली जाएगी। चलो नेक्स्ट टिप पर नजर मारते हैं। अब भैया नेक्स्ट टिप है कि गेट एटमॉस्फेयर, यानी कि किसी ऐसे माहौल में चले जाओ कि जहां पर आप जल्दी अंग्रेजी सीख सको। अब भैया ऐसा माहौल कहां मिलेगा? मैंने वीडियो के शुरू में ही आपको बताया था कि इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर की जरूरत नहीं, सिर्फ माहौल की जरूरत होती है। अब भैया आपको जरा ज्यादा ही जल्दी अंग्रेजी सीखनी है ना, तो आप दो काम कर सकते हो। पहला तो यह कि भैया अपना पासपोर्ट बनवाओ और वीजा फीजा से लगवाओ और किसी ऐसी कंट्री निकल जाओ जहां पर लोग अंग्रेजी बोलते हैं। अब यह मत डरना कि आपको अंग्रेजी नहीं आती, आप सर्वाइव कैसे करोगे, सब हो जाता है भैया, सब चल जाता है काम। अब वहां जाकर गारंटी से बता रहा हूं भैया, 2 महीने के अंदर आप बेहतरीन अंग्रेजी सीखकर इंडिया वापस आओगे, क्योंकि वहां पर आपको एटमॉस्फेयर मिल जाएगा, आपके पास इंग्लिश के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं होगा, भूखे मरने पर नो बताएगी, खाना मांगोगे तो इंग्लिश में ही मांगोगे, खुद ही पता चल जाएगा। अब भैया दूसरी कंडीशन भी बता देता हूं, मान लो ये ज्यादा बोल दिया मैंने कि तुम्हें अंग्रेजी सीखने के लिए अमेरिका ही भेज रहा हूं। दूसरी चीज है, मत जाओ विदेश, अपने देश में ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहां पर लोग हिंदी बहुत कमी से बोलते हैं और अपनी रीजनल लैंग्वेज बोलते हैं, अपने राज्य की भाषा बोलते हैं, भैया वहीं का टिकट कटा लो और जाओ, कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में, आई मीन कहीं भी साउथ चले जाओ, अंडमान निकोबार निकल जाओ, कहीं भी चले जाओ, अपने आस पड़ोस के किसी भी राज्य में चले जाओ कि जहां पर हिंदी कम बोली जाती है, अपनी भाषा बोली जाती है। अब मान लो तुम साउथ इंडिया चले गए, मतलब वो कोचीन निकल गए और वो जो है कन्याकुमारी निकल गए, अब वहां पर भैया जब तुम जाओगे तो बहुत सारे ऐसे आसपास लोग होंगे जो हिंदी नहीं जानते हैं। अब जानबूझकर आप मार्केट में निकल जाओ और वहां पर इंग्लिश में हल्की फुल्की बात करने की कोशिश करो। मान लो कोई खोमचा सा दिख गया, वहां पर बोल दो हाउ मच, 2 rupees, 3 rupees, 4 rupees, 9 rupees ओनली, इंग्लिश प्रैक्टिस फ्रॉम दिल्ली। और आप और कुछ भी बोल सकते हो, वहां पर लोगों से मुलाकात करो, दोस्त बनाओ, इंग्लिश में बात करो, होटल वाले से बात करो, बीच पर निकल जाओ कच्छा पहन के और वहां पर सारे कच्छे वालों से बात करो, इससे आपकी हेजिटेशन दूर होगी, आपको एटमोसफियर मिलेगा। अपने बच्चों को भी ले जाओ और उनसे बोलो भैया इंग्लिश में ही बात करिए, हम बेइज्जती से मत कराइए, तो भैया ये वाली प्रैक्टिस से भी आप बहुत जल्दी अंग्रेजी सीख सकते हैं। चलो अब नेक्स्ट वाली ट्रिक पर, आई मीन टिप पर नजर मारते हैं। और भाई नेक्स्ट
टिप है प्रैक्टिस विद रेडियो, मतलब तुम्हारे पास मोबाइल फोबाइल में या घर में एफएम रेडियो वेडियो तो होगा ही ना, अब कुछ नहीं करना है, रात को तकिए पे लेट जाओ, आई मीन लोट जाओ, और कानों में लीड ठूस लो, और भैया आंखें बंद कर लो, और अपने एफएम पे कोई इंग्लिश वाला चैनल ट्यून कर लो, यानी बहुत सारे एफएम पे चैनल्स आते हैं जो इंग्लिश में भी आते हैं, और उनको सुनने की कोशिश करो क्या बोल रहे हैं, एक दो वर्ड तो समझ में आएंगे भैया। अगर एक घंटे तुमने रेडियो सुना और 5 मिनट की चीज भी तुम्हें समझ में आ गई तो जीवन धन्य है, खुद को यह तो सोचो कि तुम समझ गए। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो इतनी सारी चीजें भी समझ पाते हैं। अब भैया तुम चाहो तो रेडियो पे खबरें भी सुन सकते हो इंग्लिश में, जो कि हर 10-15 मिनट बाद टेलीकास्ट होती है इंग्लिश के चैनल पे रेडियो पे, या फिर आप इंग्लिश में कोई गाना आ रहा है उससे सुनने की भी कोशिश कर सकते हो। और रेडियो पे नहीं सुनना तो अपने मोबाइल में MP3 डाउनलोड कर लो कुछ हल्के हल्के से, मतलब एक तो होते हैं फास्ट गाने इंग्लिश के गो 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 फो, और एक होते हैं स्लो स्लो से, जैसे वो टाइटैनिक का बहुत अच्छा सा गाना है, मुझे याद नहीं आ रहा, मैं सुनता ही नहीं हूं, मुझे आती भी नहीं इंग्लिश, वो वाला मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो भैया आप उसे भी सुन सकते हो। और इस तरीके के कई सारे सॉन्ग डाउनलोड भी करके रख सकते हो फोन में और कानों में लगा के मध्यम मध्यम चलने दो, इस प्रैक्टिस से भी आपकी इंग्लिश जहरीली हो सकती है। और भाई जल्दी अंग्रेजी सीखने की लास्ट टिप है लर्न 5 वर्ड्स ईच डे, मतलब हर रोज कम से कम 5 वर्ड मीनिंग याद किया करो। अब देखो भैया सबसे बड़ा जो लफड़ा अंग्रेजी के और आपके बीच आता है ना वो होता है वर्ड मीनिंग का, वो हमें याद ही नहीं होती है, अब कितनी हजार होती है भैया, अगर तुम उसे याद करने की कोशिश करोगे तो ये एक बेवकूफी वाला काम है, मतलब कहने का ये है कि वो इतनी ज्यादा तादाद में होती है कि हम उसे एकदम याद नहीं कर सकते हैं, बल्कि इसको याद करने के बजाय आप बस क्या करें, 5 वर्ड्स एवरी डे अपनी एक डायरी फायरी सी बना लो, उसमें उतार लो, वो चाहे डिक्शनरी में से ले लो, चाहे वो तुम न्यूज फ्यूज सुन रहे हो FM पे या TV पे देख रहे हो, उसमें से 5 वर्ड ले लो और उनकी इंग्लिश और हिंदी दोनों डायरी में लिख लो। अब उन वर्ड्स का इस्तेमाल अपनी लाइफ में आपको सारे दिन में कहीं ना कहीं करना है, उन वर्ड्स को बोलना है भैया, ऑटोमेटिकली याद ना हो जाए तो कहना मेरा नाम बदलकर चंपू रख देना, फिर देखना कैसी जहरीली आपको वर्ड मीनिंग याद होती है। तो डेली एक डायरी बनाओ और 5 वर्ड्स उसमें लिख लो, उसकी हिंदी इंग्लिश, और उस पर आपको सेंटेंस अपने डेली बोलने, और वो डायरी इतनी छोटी होनी चाहिए कि अपनी पॉकेट फॉकेट में रखा करो, और वो डायरी जब भर जाए तब गिनना, देखना 1 महीने के अंदर 5 × 5 × 5 × 10 × 5 × 15 150 याद हो जाएंगे भैया। इस तरीके से सोचो 1 साल में कितने होंगे, मुझे तो मेहनत भी ना आती भाई साहब, बहुत सारे हो जाएंगे। तो इस तरीके की ट्रिक से भी आप वर्ड मीनिंग भी जल्दी सीख सकते हो और आपकी इंग्लिश भी और जल्दी जल्दी अच्छी हो सकती है। तो भाई ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको अंग्रेजी सीखने के लिए 10 बेहतरीन टिप्स दी हैं। और भैया 11वीं टिप इससे हटके दे देता हूं, मुझे भी लाइक कर देना, मेरी वीडियोस भी देख लिया करो, आपके लिए इतनी ड्रामेबाजी करता हूं और आपके लिए इतना पागल वागल सा बनना पड़ता है, इस वीडियो को देखकर भी आपको थोड़ी बहुत नॉलेज तो मिल ही जाती होगी, बाकी भैया अपने टीचर से पूछ लिया करो, वो भी आपकी मदद जरूर करेंगे। अब ये वीडियो और ये टिप्स आपको कैसे लगी ये मुझे जरूर बताइएगा, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर अपना प्यार उड़ेल देना, वहां पर मुझे बताना कि आपको कितना मजा आया, मैं सभी कमेंट्स को ऑलमोस्ट 1 हार्ट दे दूंगा जो अच्छे अच्छे कमेंट्स होंगे। और भैया इस वीडियो को सभी जो शुरुआत से बेसिक से इंग्लिश लर्निंग सीख रहे उनके साथ शेयर कर देना, और जाते जाते टुच्चा सा लाइक देकर जाना।